लो भाई देख लो, कभी तुम्हें लग रहा हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, इतना बहुत है। सो भाई अभी हम ऊपर आ रहे थे यहाँ से, और इधर देख रहे हो लैंडस्लाइड हो रखी, लैंडस्लाइड। सो भाई यहाँ पे कह रहा था मैं, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो ये देखो ये देखो। ओ भाई साहब बड़ी तेज बारिश आ गई है तो। गाइस घर को आ रहे थे, बारिश आ गई बहुत तेज, तो ये साड़ा मुझे घर ले गया है। तब से खाए जा रहे चाय पकौड़ी चटनी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई आज स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। वहाँ पे वो हाथ हिला रहे, मुझे लगा मुझे बोल रहे। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, अभी हम लोग जा रहे हैं UIT क्योंकि मुझे आगे पढ़ाई करनी है। तो अभी मैंने BSc IIT किया था और अब मैं करने जा रहा हूँ MCA। लेट्स गो। तो होप यू एंजॉय लास्ट 2 व्लॉग्स जो कि हमने साइकिल से किए थे, 4 सिद्ध। और जिसने अभी तक नहीं देखा तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना, या फिर इससे जस्ट प्रीवियस ब्लॉग है वो देख लेना। और बाकी अपना संडे का प्लान ऑन है सल्फर का। विक्रम लेट्स गो। तो आओ भाई, पहुंच चुके हैं हम UIT के बाद, अब जा रहे हैं यहाँ से अंदर। लो भाई देख लो, कभी तुम्हें लग रहा हो मैं झूठ बोल रहा, ठीक है, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, इतना बहुत है। इसके साथ आ रखा मैं, ये कराएगा जो कराएगा, इसका काम है थोड़ा बहुत। चलो भाई, वहाँ पे तेरी फोटो क्यों नहीं लगी हुई? वो सामने ड्रीम वाले में, तू किसी का सपना नहीं है बार-बार की दुकान है यार। यहाँ पे हम चले जा रहे हैं, आधे घंटे से ऊपर हो गया, बस चले ही जा रहे हैं। अगर ऐसा है एडमिशन लूँगा मैं, और उसके बाद अगर यहाँ चलूँगा तो यहाँ तो आधा घंटा तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। आधे घंटे में क्या ही पढ़ लूँगा, मैंने ले रहा यो साला वहाँ से यहाँ तक चलवा के लाया और वापस वहीं जाना, कि यहाँ कहाँ जा रहा है, ये किसी का बाग बगीचा है बे भाई। इतना लंबा चला के लाया, वापस वहीं चलवा के ले जा रहा। साढ़े वो कह रहे यहाँ कुछ भी नहीं होता, यहाँ आ सब रखे हैं लेकिन होगा कुछ नहीं, वहीं जाओ वापस। भाई ये देखो, ये वो टायर है जो क्रिस 3 में क्रिस ने रोका था, वहाँ पे नहीं बैठता वो आगे से। ये पता नहीं कहाँ ले जा रहा, कॉलोनी में जा रहे हैं हम तो, एक कॉलेज में ना है। सो भाई अभी मैं बैठा हूँ बाहर लॉबी में, और वो जा रखा है उधर सिफारिश लेके। सो भाई अपना काम निपटा के आ चुके, और अब बारिश लगने लग गई। हाँ हाँ, और तेज आ जाओ। भाई अभी घर को जा रहे थे, मौसम ऐसा हो गया ना, ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 5 बज गए। हमने कहा चलो चाय पीने चलते हैं 5 बजे, वही होता है अपना, और कुछ तो होता नहीं। देखो मौसम देख रहे हो, क्योंकि बादल बादल लगे हुए ना पूरे, एकदम काला काला हो गया। शाम को अगर बारिश आएगी तो मोटो ब्लॉगिंग कैसे होगी, मैं ये सोच रहा हूँ। पुलिस 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 आ गई, पुलिस ले भाई, फिर से बारिश स्टार्ट। क्या कर रहे हैं इंद्रदेव यार, हद हो गई, घर तो जान दो एक बार। ओ भाई साहब बड़ी तेज बारिश आ गई है तो। गाइस घर को आ रहे थे, बारिश आ गई बहुत तेज, तो ये साड़ा मुझे घर ले गया है। तब से खाए जा रहे चाय पकौड़ी चटनी, अब आगे चावल और ढेपली। ये देखो अब मेरे घर में कह रहा था मैं खाता ही नहीं, मैं एक टाइम पे खाता हूँ बस, उसके बाद नहीं खाता। हेलो जी गाइस, तो भाई स्वागत है आपका मोटो व्लॉगिंग में। और सबसे पहली बात ये कि भाई मैं विनोद के घर पे गया, उसके बाद थोड़ी बारिश रुकी, फिर मैं घर आ गया फटाफट, मतलब वहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि आंटी वहाँ पे खिलाने पे लगी हुई थी, कभी दाल चावल दे दे रहे, कभी चाय पकौड़े, फिर मैंने कहा कहीं कुछ और ना आ जाए, मैंने कहा फटाफट भागते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा खा दिया था। तो धन्यवाद आंटी जी। और दूसरा ये है कि भाई मैं डीओ को सर्विस के बाद, मतलब जब मेरा इंजन सीज हुआ था उसके बाद, मैं इसको काफ़ी चला चुका हूँ, और मैंने व्लॉग में ये मैं भी पहली बार चला रहा व्लॉग के हिसाब से, क्योंकि उसके बाद से मेरा 4 सिद्ध का सीन था, वो आपने व्लॉग देख ही लिया होगा। और व्लॉग में ये फर्स्ट टाइम है कि मैं चला रहा हूँ, तो
अभी जा रहे हैं हम चाय पीने ऊपर अंकल जी के पास, क्योंकि अभी मौसम जो है सही हो गया। सुबह से तो सुबह भी ठीक था, लेकिन उसके बाद फिर दिन दिन में बारिश लग गई बहुत खतरनाक वाले। जाने दे ऑटो वाले, जाने दे। और अब जाके वापस धूप लगी है, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा व्लॉग भी बन जाएगा तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी, वरना फिर व्लॉग जो है सीधा मंडे ट्यूसडे को आना था, क्योंकि संडे को हमारा प्लान है सल्फर पूल जाने का। तो भाई बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, जिसको आना होगा तो आ जाना, कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं तू नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकते, वहाँ नहीं आ सकते, ये नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता, कोई भी आ सकता है। तो जो भी इच्छुक हो आइए ज्वाइन करिए, घूमेंगे फिरेंगे। बस कॉल आ गई मैं भी उसके, हाँ 6 नंबर। ये चीज तो भाई आ चुका है यो पीछे बैठा हुआ, और अभी यहाँ पे से भराते हैं जरा तेल। वैसे प्लान मेरा ये था कि मैं सुबह मॉर्निंग राइड पे जाऊँगा, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न गया नहीं मैं, इसलिए मैंने कहा छोड़ो शाम को जाएंगे, शाम को चाय पीने जाएंगे, क्योंकि शाम को अक्सर हम निकलते रहते, तो फिर मैंने कहा शाम को ही जाएंगे, मस्त आराम से चाय पियेंगे, उसके बाद देखेंगे, थोड़ा देर बैठेंगे उधर। कितने चलिए तू, कितने चलिए, आओ जी तेल हमने भरा दिया है, आप यहाँ से निकल रहे हैं सीधा ऊपर, और उससे पहले थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे, है नहीं। मैं दोबारा बोल रहा, इस ब्लॉग में मैंने पता नहीं कितनी बार बोल दिया होगा कि भाई संडे को सल्फर, तो मतलब आप जब ये वीडियो देख रहे हो उस दिन है सैटरडे की नाइट, क्योंकि 8 बजे डालूंगा मैं वीडियो, और संडे को हम जाएंगे सुबह 5 या 5:30 बजे तक निकल जाएंगे। तो भाई जिस जिसको आना है तो डोवाल चौक पे मिलना, अगर जो आना चाह रहा, जो इस ब्लॉग को देख के आ रहा, तो वो डोवाल चौक मिलना सुबह 5:30 बजे तक, उससे ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। और बाकी जो आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, बाकी अभी माइलेज वगैरह भी टेस्ट करूंगा मैं इसका कि क्या है, कैसा दे रही सर्विस के बाद, मतलब ठीक है नहीं है, कम दे रही ज़्यादा दे रही, ज़्यादा तो अच्छी बात है लेकिन कम देगी तो बेकार बात है। एकदम मोड़ पे भींस की आँख, कितने चले मजनू, कितने चले तू, थमक थमक के चाय पीने चलूं मैं। और यहाँ पे तो और दिन प्रतिदिन गहरा गहरा होता जा रहा। लो भाई डियो में कर दिया ऑफ रोड, अभी वैसे मैं इसमें इतनी ज़्यादा ऑफ रोड करने रहा यार, क्योंकि मेरा बताऊँ जिसने मेरा वो लास्ट ब्लॉग देखा होगा ना, उस टाइम पे जब मैं ऋषिकेश नानी के घर को जा रहा था, तो उस टाइम पे मेरा टायर पंचर हुआ था, उसके बाद मैंने ट्यूब डलवा रखी है इसमें, तो मेरी थोड़ी बहुत फटती है कि जहाँ टायर पंचर उसके बाद तो धक्के मारने पड़ेंगे, क्योंकि कोई और चारा या ऑप्शन तो है ही नहीं, लास्ट ऑप्शन रहेगा सीधा वो है कि धक्के मार के ले जा। यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ तुम्हें, ये पुल देख रहे, ये कपल पुल है, कपल पुल। आज यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाके देखेंगे हल्का सा, क्योंकि अंकल की दुकान के उधर अभी धूप है ना, थोड़ा ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। ओ वाटर क्रॉसिंग, और अभी मेरे को एक और बात बतानी थी, अपनी एक दोस्त है उनने मेरे से पूछा था कि मतलब उनका कोई दोस्त वगैरह कोई ब्लॉगिंग का चैनल खोल रहा होगा, तो वो ये पूछा था कि भाई मतलब कैसे खोलते हैं, क्या स्टार्ट करना है, मतलब स्टार्टिंग में क्या बोलना है, क्या नहीं करना, क्या कैसा करना, जो भी है, मतलब समझ गए ना तुम, ये चीज़ पूछी थी। तो वैसे यार एक मतलब ऐसा है, सबका तरीका अलग अलग होता है ब्लॉगिंग करने का, कोई इंट्रो वगैरह से करता है, क्या करता, कहाँ रहता, कहाँ से हूँ, ये सब बताते हैं। मेरा यही था, तो मैंने बस यही बताया कि भाई ऐसा ऐसा करके ये कर लो। और दूसरा मेन चीज़ ये होती है, अगर तुम व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर रहे हो या व्लॉगिंग कर रहे हो ना, तो मेन फोकस जो है तुम्हारी आँखों का कैमरे से होना चाहिए। अभी हम अंकल की दुकान से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, तो हाँ हम कहाँ पे थे, तुम्हारा मेन फोकस जो है कैमरे पे होना चाहिए, मतलब तुम्हारी आँखों का और कैमरे का आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए एकदम खतरनाक वाला। ऐसा नहीं कि तुम ये कर रहे कैमरे में मतलब व्लॉग बना रहे और नज़रें तुम्हारी इधर उधर है, ऐसा मेरे साथ होता है, मेरी नज़रें इधर उधर रहती हैं, बट हम भी प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं है यार, तो इसलिए मेरा भी मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। सो भाई अभी हम ऊपर आ रहे थे यहाँ से, और इधर देख रहे हो लैंड स्लाइड हो रखी, लैंड स्लाइड
और वो जा रहा है अभी देखने आगे, होगा तो जा लेंगे, नहीं होगा तो यहीं पे से वापस घूम लेंगे। रोड बन रही, चलना आ जा देख के आएंगे। ओ इंग्लिश भूस्खलन हुआ है साले, भूस्खलन। इंग्लिश ना बोला कर, आई हेट इंग्लिश, आई लव हिंदी। भाई यहाँ साइकिल में आना पड़ेगा हैं? हाँ ऊपर माल देवता से आएंगे। यो देखो भाई सीन तो बड़ा केड़ा और यहाँ पे भाई साहब, मतलब जाने के लिए तो आराम से चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सामने से भी आ रहे हैं लोग, लेकिन वही है वहाँ पे एक स्कॉर्पियो है और ट्रैक्टर या तो फंस रखे हैं या फिर वो चिल कर रहे हैं। पर भाई क्या ही सीन हो रखा यार, ये तो साइकिल से तो आना पड़ेगा मेरा भाई। यहाँ वहाँ से आएंगे ऊपर इस पहाड़ी के पीछे से होते हुए पूरा, और यहाँ से दर 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 नीचे। तो भाई जैसे मैंने कहा था आगे स्कॉर्पियो जो है वो फंस रखी है, तो वो भैया जा रखे नीचे जा रहे रस्सी वगैरह लेने। तो भाई यहाँ पे से निकल रहे हैं हम नीचे को, क्योंकि आगे जाने का तो रास्ता स्कॉर्पियो वाले भैया ने बंद कर रखा, उन्हें स्कॉर्पियो चलानी ना आती ना तो उन्होंने फंसा दी। बाकी गाड़ी तो अच्छी होगी नो डाउट है नहीं। अब इसको कर देते हैं बंद, मेरा ना ये लॉक भी फंस रहा है इस पर, इसमें भी थोड़ा ऑयल डालना पड़ेगा। आओ भाई बैक टू ग्रीन व्यू। अंकल नमस्ते। लो जी बैठ चुके हैं अपने पॉइंट पे, वो देख रहे हो सामने मौसम देखो, और ये देखो फिर कॉल पे लग गया। अभी हमने ऊपर चाय पी ली और अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा नीचे, एक पुल है वहाँ पे बैठने, क्योंकि ऊपर थोड़ा शोर शराब है यार, मतलब जैसे पहले स्टार्टिंग में आते थे ना वैसे नहीं रहा अब यहाँ पे, अब यहाँ पे ज़्यादातर वाले लोग आते हैं, तो इसलिए फटाफट वहाँ पे से चाय पी के सीधा निकल लो नीचे और वहाँ पे बैठ जाओ। तो भाई यहाँ पे कह रहा था मैं, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो ये देखो ये देखो। हाँ जी यो देखते रहोगे क्या बस? तो दिस इज नेक्स्ट डे, आज सैटरडे। अरे यार ये फौरन मार मार के, आज है सैटरडे, तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और एडिट फिर रेंडर फिर अपलोड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, संडे प्लान इज ऑन, जो आना चाहते हैं आइए वेलकम। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।